इंसान इंसान से दूर होता जा रहे हैं, फैमिली डाइवोर्स के कगार पे पहुंचती जा रही है, फैमिली से अपने बच्चों से अपने रिलेशन से सबसे दूर होता जा रहे हैं। सोशल मीडिया, आज जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का है। आज बच्चे से लेके एक बूढ़े तक सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। लेकिन सोशल मीडिया के जितने अपने पास फ़ायदे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा इसके नुकसान भी हैं। आज इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है, फैमिली डाइवोर्स के कगार पे पहुंचती जा रही है। सोशल मीडिया के जितने फ़ायदे हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके नुकसान भी हैं। तो सोशल मीडिया से अपन कैसे दूर रहें, उसके अपन कैसे बच के रहें, ये सारा अपन डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताऊंगा और इसके नुकसान भी बताऊंगा कि इसके क्या नुकसान है। तो अपन डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया। आज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सअप, इन सभी से अपन देखते हैं कि स्क्रॉल करके यार कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया या कोई मैसेज तो नहीं आया। अपनी आदत हो गई है बार बार अपने को स्क्रॉल करना है। ये लत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अपन अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने रिलेशन से सबसे दूर होते जा रहे हैं और धीरे धीरे अपन अपनी जो सोसाइटी है उनसे दूर होते जा रहे हैं। आज अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट पे लोग उसकी वीडियो बनाते हैं देखते हुए कि इसको सोशल मीडिया अपलोड करेंगे जिससे अपने हिट्स आएंगे। नहीं दोस्तों, ये बहुत गलत है। अपने को उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सोशल मीडिया के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज शर्मा। मैं इस ट्रिक लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर, सोशल मीडिया ने घर बर्बाद किए या सोशल मीडिया कैसे अपनी पर्सनल लाइफ में इम्पोर्टेंट है या कैसे वो अपने लिए हार्मफुल है। तो उसके फ़ायदे और नुकसान आज अपन यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊँगा इससे बचने के उपाय भी क्या हैं और इससे अपन खुद को कैसे यूज़ मिले सही तरीके से, जिससे आपको फ़ायदा भी हो और नुकसान भी ना हो। आज हम क्या है, एक यूथ से लेके एक बुजुर्ग व्यक्ति तक सभी सोशल मीडिया अपडेटेड हैं, क्योंकि अपने को ज़रूरत है, अपने को मैन टू मैन कनेक्टिविटी करनी है। आज अपने रिलेशन एक यहाँ पे है, दूसरा फॉरेन में है, एक इस सिटी में है, दूसरा उस सिटी में है, तो उनसे कनेक्टिविटी के लिए सोशल मीडिया चाहिए। आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है, उसके लिए सोशल मीडिया चाहिए। ये बैड नहीं है, ये गलत बात नहीं है, लेकिन आप कुछ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पर्सनल चीज़ें, आपकी प्राइवेट फोटो तक भी आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देते हैं, फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, ये थोड़ा गलत हो जाता है। और उस पर आप इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको इस कदर लत लग जाती है कि आपको बार बार वो फिंगर स्वैप करने की, अनलॉक करने की, रात में सो रहे हैं पता नहीं यार यार लाइक नहीं है फोटो के ऊपर, इंस्टाग्राम पे बार बार चेक करो यार फोटो तो डाली थी मैंने कल, उस पर लाइक नहीं है, शाम तक आपका मूड खराब रहेगा। आपके फोटो पर लाइक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, आप अपनी लाइफ जियो ना। आप इस तरह उसमें इन्वॉल्व हो गए, आपने अपना पर्सनल टाइम तक उसमें इन्वॉल्व कर दिया, क्या मिला आपको उसमें? कुछ नहीं मिला, आपका टाइम खराब हुआ, आपकी एनर्जी वेस्ट हुई, आपका टाइम खराब हुआ, आप अपने फैमिली से दूर हुए। आप अपने फैमिली को जो टाइम आपको अपनी फैमिली को देना चाहिए था आप उसको भी नहीं दे पाए, आप अपने बच्चों से दूर हुए। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि इन सब चीज़ों से दूर रहना है। आपको सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आपको इतने यूज़ करने हैं कि जितने आपको उसकी ज़रूरत हो। अननेसेसरी इस पर लगे रहोगे तो उंगली में दर्द ही होना है और कुछ नहीं होना। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया की जो आपके सर पर जो छाया हुआ है भूत, वो इस कदर छाया हुआ है कि एक छोटा बच्चा सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो आजकल क्या है, जो ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में उसको खेलना चाहिए, क्लास में आपको ढंग से देख रहा हूँ, क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, कि सब इसी वजह से हो रहे हैं। वो नई नई चीज़ें टीवी देख के बिगड़ रहा है, सोशल मीडिया में नए नए जो तरीके के एडवांटेज आ रहे हैं, आजकल एक बहुत चल रहा है टिकटॉक, जैसे देख देख के नई नई वीडियो बना रहे हैं, ये अपनी सोसाइटी को और अपने बच्चों को सबको नुकसान पहुँचा ही रहे हैं। तो अपने को क्या करना है, इन सबसे उनको दूर रखना है, क्योंकि अगर आपने इन सबसे दूर नहीं रखा तो आगे वाली जनरेशन जो अपनी है ना, वो इन सब चीज़ों की एविचल हो जाएगी और जो अपने जो फ्रेंड सर्किल में, जो रिलेशन में, जो सोशलाइजेशन होना चाहिए, जो आपसी प्रेम भाव होना चाहिए, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सभी जब मोबाइल पर लग जाएंगे तो आपस में बात कौन करेगा? आपको अगर चाय भी बुलानी है अपनी वाइफ को, प्लीज़ एक कप चाय ले आना, व्हाट्सएप पर लिख के दोगे या सामने बोलोगे? ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको सोशल मीडिया के फ़ायदे बता दिए और नुकसान भी बता दिए। तो मैंने तो इस सोशल मीडिया से तौबा कर लिया कि मैं इसका कम से कम यूज़ करूँगा, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी इसका कम से कम यूज़ करें और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी इससे अवेयर करें और कम से कम यूज़ करें। वैसे इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए एक ऐप मार्केट में चली है, सोशल फीवर करके है, मैं तो उससे काफ़ी हैप्पी हूँ, क्योंकि उसमें एक लिमिट है, आप देख सकते हो कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया इस सोशल मीडिया के ऊपर, जिस टाइम का आप कहीं और अच्छा यूज़ कर सकते थे अपने काम के अंदर, अपनी फैमिली के लिए। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, अच्छी एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। वैसे सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें और हो सके तो उसको कम से कम यूज़ मिलें।